ये फ़ोन डेड कंडीशन में है। जब चार्ज लगाते हैं एक बैटरी चार्जिंग लोगो आकर चला जाता था और फ़ोन ऑन नहीं होता था, लेकिन मार्केट में रिपेयर के लिए दिया तो उसने चार्जिंग पीसीबी चेंज करके देखा लेकिन ठीक नहीं हुआ। फिर मैकेनिक बोला बैटरी ख़राब है, बैटरी चेंज करके ट्राई किया तो भी नहीं हुआ। फिर उसने एक आईसी से छेड़खानी की और उसके पास के पुर्जे हटा दिए। जब उससे बात नहीं बनी तो वो बोला आईसी ख़राब है, हो सके तो रिपेयर वीडियो भी डाल देना सर जी। वाह जी वाह। देखो भाई ये हिस्सा है यहाँ पर, मतलब बंदे ने पहले काम कर रखा यार। देखो अच्छा है ना, बड़ी अच्छी डिटेल दी बंदे ने। चल देखते हैं क्या हो सकता है। ये हो गया हमारा ग्राउंड। ओके, डीसी पे ऑटो करंट कुछ नहीं है। पावर की प्रेस करते हैं, पावर की का भाई वो नहीं है, तुम्हारा दाना सा नहीं है इसमें। पावर की क्लिक करने पे भी कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। ड्राइड मोड वगैरह देख लेते थोड़ा। और 1400 ठीक। ठीक है, बोर्ड का ये हिस्सा तो मोस्टली क्लीन ही है। यहाँ एपीटी रहता है तो ये किसी ने ऑलरेडी पंगा लेके देख रखा है। कैप वगैरह ऑलरेडी रिमूव्ड है। ठीक, शील्ड सारी है, लेकिन उन्होंने बोला कि भाई इस एरिया में कुछ काम धंधा हुआ है। हाँ, यहाँ से आईसी थोड़ा शेड रखा है। वीपीएच वगैरह देख लें जरा, शॉर्ट तो नहीं है। 368 मिली वोल्ट फॉरवर्ड में, लगभग 1300 मिली वोल्ट। ओके। चलो चार्जर लगा के देखते हैं एक बार क्या कहानी है। टाइप सी, कुछ भी करंट कंजप्शन नहीं है, सिर्फ 2 मिली एम्पेयर। चार्जर से भी जरा बीपीएच चेक कर लें कितनी बन रही है। क्योंकि 2 मिली एम्पेयर चार्ज पे लेने का मतलब है कि बीपीएच शायद नहीं बन रही होगी। ओके, बीपीएच नहीं बन रही चार्जर। मे बी ये आईसी फॉल्टी हो सकता है, मे बी ये जो ऊपर दो कंपोनेंट तोड़ दिए किसी महापुरुष ने उनकी वजह से हो सकता है। अभी देखना पड़ेगा किसी बोर्ड में कि ये कंपोनेंट क्या हैं जो टूटे हुए हैं। शील्ड निकालते हैं।
ये तोड़ रखा भाई एक तो, क्या था यहाँ आइडिया नहीं है, पर ज़्यादा चांसेस कैप के लग रहे हैं कि कैप होगा। ट्रैक भी यही आ रहा है, जिस बंदे ने ये तोड़ दिया भाई उसने आईसी के नीचे भी पता नहीं क्या क्या कांड किया होगा। ये आईसी भी उठा के देखने जैसा है फिर इस हिसाब से। तो डॉट राइट साइड दिखा रहा है, वो भी देख लेते हैं सही है कि गलत है पता नहीं। चलो ये भी उठाओ फिर, देखो बोला था ना है जी। ट्रैक जो है नीचे से भी कट रखे हैं यहाँ से, ओके एक तो भाई ये ट्रैक मिस है ना, ये यहाँ से मैंने स्क्रैच किया, यहाँ से यहाँ जंपर लग जाएगा। ये बी बैट सेंस पॉजिटिव का है, ज़रूरी है। बाकी ये जो कैप तोड़ रखा है ये आपका एलसीडी ड्राइवर का सेक्शन है, इसका ट्रैक 7 पे कनेक्शन जा रहा है, बी डिस्प्ले कैप 2, ठीक है। ये सीरीज़ में कैप लगेगा आपका, कोई ग्राउंड नहीं है इसका। ये 10 माइक्रोफराड का कैप है, 10 वोल्ट रेटिंग का। चलो और आईसी भी मेरे ख्याल से चेंज करना पड़ेगा बाद में बनेगी, या मे भी हो सकता है ये ट्रैक बनाने से भी आईसी चल जाए। ये नीचे वाला ट्रैक कह रहा हूँ, ऊपर वाला नहीं। ये एक बार जंपर लगा के हम आईसी लगा के देख लेते हैं, नहीं तो फिर ये आईसी भी रिप्लेस करना पड़ेगा और उसके बाद ये कैप भी लगाना पड़ेगा। ये कैप नहीं लगेगा तो फिर लाइट एलसीडी नहीं आएगी। चलो सबसे पहले जंपर ही करते हैं। ये वाला ट्रैक पहले ही लगा रहा हूँ एलसीडी के लिए, बाद में भी लगाना ही पड़ेगा तो पहले ही लगा दो। ठीक है आईसी जो है तो स्क्रैप से निकाला हुआ, लेकिन इस आईसी इस फ़ोन में जो है इस फ़ोन के लिए ये न्यू है क्योंकि मैंने बदल दिया है।
कौन टाइम खराब करेगा, पुराने वाले पे लगाएंगे नहीं चलेगा तो फिर उतारते फिरेंगे, तो बेटर है पहले बदल दो। डॉट इसका इस तरफ आएगा, ठीक है। ये 10 माइक्रोफराड का कैप भी लगा ही दें पहले ही, फिर बोर्ड से निकाल लेते हैं। ठंडा कर लें थोड़ा, बीपीएच अब भी नहीं बन रही। ऑयल चेक करनी पड़ेगी एक बार। कोई करंट कंजप्शन नहीं है, कुछ नहीं है। ओके, फोन चल गया भाई। बैटरी एम्प्टी का सिग्नल देख, मेरा देख जो पता नहीं खराब है। 5 वोल्ट की पहुंच हो भी रही है कि नहीं। वोल्ट यहाँ आने चाहिए, आ गए, चार्जिंग भी ले गया। लेकिन दबाने से बढ़ रहा है। बैटरी बूस्ट कर देते हैं एक बार, थोड़ी बैटरी डाउन ज़्यादा थी। ये कनेक्टर का भी चक्कर, ये कनेक्टर दबाने से चार्जिंग चल रही है, कनेक्टर छोड़ देने से बंद हो जा रही है। ये कनेक्टर का भी थोड़ा सीन देखना पड़ेगा। ले गए कंपेयर, हाई स्पीड चार्जिंग चलने लगी। 5 वोल्ट से 5.4 वोल्ट हो गए, 5.5 वोल्ट हो गए, 5.7, 2.5 एम्पेयर हो गए, 6 वोल्ट, बस ठीक है, वो खींच जाएगा काम। 17 वाट की चार्जिंग चल रही है, 2-4 मिनट में कोई 4-5 सेकंड ये परसेंट हो ही जाएगा। अभी भी बैटरी ड्रेन का सिग्नल तो हो जाने दो चार्ज, एक बार फिर देखते हैं 5-10% हो जाए, उसके बाद देखते हैं। चलो ठीक है भाई, ये हो गया है, ठीक है। वो एक्चुअली जो बीसीसी नहीं बन रही थी ना, वो पता यहाँ से दबाने का चक्कर था इसलिए नहीं बन रही थी, बाकी चल गया है, ठीक है। ये था इन भाई का जिन्होंने ये लव लेटर लिख के भेजा था, बाकी बातों की बात बंदे की डिटेलिंग अच्छी थी, बताया उसने बकायदा कि यहाँ काम किया है किसी ने, ठीक। और इन्होंने खास बोला था कि जो हो सके तो वीडियो भी जरूर बना देना। अब इनसे एक बेनती करूंगा, जिसने भी पहले किया था उसको वीडियो दिखा के शर्मिंदा ना करे,
चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।